जैसा कि आप देखते हैं कि आज की तकरीर का अनुमान बोर्ड की अहमियत है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी भी बात की जाए और जितना भी लिखा जाए कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जिनका मफहूम है कि अच्छे लोगों पर बुरे हुक्मरान और बुरे लोगों पर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत नहीं हुए, जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम जदीद दुनिया के साथ शाना बशाना चलें, तो हमें ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत होगी जो अक्लमंद, मुखलिस, ईमानदार और एक विज़न रखता हो, जो मुल्क व कौम की फिलाह फरूज का दर्द रखता हो। आज अगर हम जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरक्की का राज जानना चाहेंगे तो हमें मालूम होगा तालीम और मुखलिस हुक्मरानों का इंतखाब इसकी बड़ी वजूहात हैं। अगर हम इलेक्शन के दिनों में अपने वोट की अहमियत को समझें और ऐसे नेक सीरत ईमानदार लोगों का इंतखाब करेंगे तो मुल्क और कौम तरक्की के इशारा पर गामजन हो सकेगा। याद रखें, वोट कौम की अमानत है और हमारा दीन हमें यह सबक देता है कि अमानत में खयानत ना करो। कौम की अमानत और अमानत में खयानत ना करो। हम बैठे थे कौम, हमें वोट डालते वक्त बिरादरी कौमियत नस्ल जुबान के कौम की तासुबात से बिलाकर होकर ऐसे लोगों का इंतखाब चुनाव करना चाहिए जो ईमानदारी के साथ अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मौजूद मेहमान गिरामी अमरीका, जापान, बरतानिया, जर्मनी और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के बाशिंदे अपने वोट की हुरमत और अजमत को पहचानते हैं और फर्ज समझ कर अपने वोट की जिम्मेदारी को अदा करते हैं। हदीस मुबारक में है कि जब तुमसे कोई मशवरा मांगे तो ईमानदारी से मशवरा दिया करो, लिहाजा ये वोट भी एक मशवरा है। इनमें से उम्मीदवार को आप लोगों ने इंतखाब करना तय कि कौन सा हुक्मरान बहुत अच्छा है जो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। लिहाजा बकौल एक बार फर्द कायम रब से मिलत यह है कि फर्द कायम रब से मिलत यह है तना कुछ नहीं, बोझ है दरिया में बैरूनी दरिया कुछ नहीं। आए साथियों, हम आज इस बात का और ऐद करें कि हम अपने बड़ों को वोट की अहमियत और उसकी इज्जत और अजमत और अमानत पर कायल करते हुए वोट डालने की तरगीब देंगे। यही जमहूरियत और मुल्क की तरक्की का राज है। अस्सलाम वालेकुम।